हिस्ट्री और आजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट साइंस मॉनिटर डिस्कस किया गया है, कल सैटरडे था, डिस्कस करेंगे। और देशांतर के अंदर जो आर्टिकल डिस्कस किया गया है, जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस किया गया है, वहाँ से कुछ खास नहीं निकलता है। और द बिग पिक्चर का आज कुछ नहीं आएगा, कल उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, हमारी प्रकृति। हम लोग अच्छी तरह से अपनी प्रकृति को देखते हैं, समझते हैं। अभी एक रिसर्च हुआ है जिस रिसर्च में कहा गया है कि प्रकृति में पेड़ पौधों के बीच रहने से मानसिक तनाव, मेंटल, वो शांत होता है। ये रिसर्च में आया है। हालांकि हमारे वेद उपन्यास में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जो अरण्यक है उसके अंदर अरण्यक का मतलब ही होता है जंगल, मतलब फॉरेस्ट। अब देखो, ऋषि मुनि जो हुआ करते थे इन्हीं जंगलों में जा करके ज्ञान की प्राप्ति करते थे। तो आज हमारे मेडिकल साइंस ने भी इसको प्रूफ किया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अभी कोरोना का टाइम है, घर में है तो आसपास जा करके किसी आंसर्स में भी लिख सकते हो इसको। अच्छी चीज़ है, प्रकृति से रिलेटेड चीज़ है, मतलब प्रकृति को बचाना हमारे लिए कितना उपयोगी है, आप कनेक्ट कर सकते हो इन चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 83। ये कहता है कि राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। आपको अच्छी तरह से पता है, पॉलिटी में पढ़ते हो। लेकिन इसके लगभग 1/3 सदस्य जो है हर वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर रिटायर होते हैं। जानते हो आप लोग, बस एक रिवीजन है, रिकॉल है। लोकसभा अगर भंग ना हो, देखो क्या कह रहा है, लोकसभा अगर भंग ना हो तो अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी, पता ही है। लेकिन आपात की उद्घोषणा हुई तो इसको जो है 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक की अवधि तक के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती। संसद द्वारा एक बार में इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, यही बात है। और अगर आपातकाल की समाप्ति हो जाए तो 6 महीने के अवधि के भीतर इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी मीन्स का भी क्वेश्चन बनता है, प्लेम्स में भी छोटे छोटे टर्म्स से बन सकते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह होते हैं, ये सब क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से हम विजुलाइज करते हैं जो कंप्यूटर की भाषाएँ हैं, उस भाषा में जो है 0 से 1 की बाइनरी के आसपास होता है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी हमारे साइंस टेक के अनुसार हमारे रियल लाइफ में भी, मेडिकल हेल्थ की बात हो चाहे और भी चीज़ें की बात हो, चाहे कंप्यूटराइजेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, इन सब में हम यूज़ कर रहे हैं। चाहे मोबाइल जैसे हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह में, रिसर्च में। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए हैं, 8,000 करोड़ रुपये 5 साल में इसकी ड्यूरेशन है 5 साल की। तो रिसर्च वगैरह होंगे, यहाँ पर देख सकते हो, बजट की बात है, 2020 के बजट में ये दिया गया है, जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो यहाँ पर क्या है, ये इसी की आर्टिकल के अंदर है, बेंगलोर में एमटेक वगैरह शुरू किया गया, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।